पंचायत सभागार में बेटियों को सम्मान एवं जागरूकता कार्यक्रम में पहुंची अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियन मबिता फोगाट मिशन शक्ति फेस 3.0 नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन के अंतर्गत पंचायत सभागार में बेटियों को सम्मान एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बबीता फोगाट अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियन विशिष्ट अतिथि सुनंदा प्रकाश सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एवं मोटिवेशनल स्पीकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर मंडल स्तर एवं जनपद स्तर पर फुटबॉल जूडो कबड्डी शूटर हैंडबॉल आदि में प्रतिभाग करने वाले तथा मिशन शक्ति फेज 1 व 2 में उत्कृष्ट कार्य हेतु बेटियों को सम्मानित किया। बेटियों को पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं विषय पर छात्राओं द्वारा एक सुंदर नुक्कड़ नाटक का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों के अंदर ऊर्जा का संचार पैदा करना है। हमारे संविधान में भी यही है कि बेटा और बेटियों में भेदभाव ना किया जाए। आज भी कहीं ना कहीं बेटियों के प्रति समाज में भेदभाव है, जबकि अन्य देशों में बेटियों को बेटों के समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार गंभीर होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में बेटियाँ कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। बेटियाँ जिस घर में रहती हैं वहाँ माता पिता के सुरक्षित रहने के साथ ही घर में अनुशासन भी बना रहता है। लड़कियों ने समय समय पर दिखाया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे समाज में पहले से ज़्यादा बदलाव हुआ है, लेकिन हमें अभी और बदलाव लाना है। जिलाधिकारी ने बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि माता पिता बेटियों को उड़ान भरने में हर संभव सहयोग करें। बबीता फोगाट अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियन ने कहा कि आज महिला शक्ति विशाल दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया था आज वह साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी ब्याह के बारे में ना सोचकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की सोचें, इससे समाज में भी बदलाव होगा और देश का भी विकास होगा। फीमेल एक्सट्रॉशन रेप के केसेस हों वो आंकड़ों में कम हुए हैं, तो खाली हम ये नहीं कह सकते कि सुरक्षा सत्यापित है, तो ये जनता को सोचना होगा कि उन्हें अपने आने वाले भविष्य के लिए कैसा अनुसरण करना है और क्या डिसीजन लेना है। ये मंच इस टाइम राजनीतिक चर्चा का नहीं है, परंतु फिर भी अपने विवेक को ध्यान रखें और अपनी स्त्री शक्ति को समझते हुए उनके भविष्य के लिए आई थिंक उन्हें सोचना चाहिए। एकजुट होकर आगे आना चाहिए। किसी कांड की आप कैसे शर्मिंदगी से सिर्फ नाम लेकर सोच सकते हैं कि तब ये हुआ अब ये हुआ, शायद ये रोज होता हो और मीडिया में ना आता हो। तो मेरी आप सभी से अपील है कि महिला के लिए, जैसा कि बबीता ने कहा था कि जब हम घर से कहते हैं बेटी संभल के निकलना, नहीं सिखाना है हमें कि बेटा संभल के निकलना, आगे जाकर महिलाओं की इज्जत करना, तो फिर शायद ये इस तरह के कोई भी कांड नहीं होंगे। देखिए मैं मिशन शक्ति कार्यक्रम में आई हूँ, इसके लिए मैं मिशन शक्ति की पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ और स्पेशली धन्यवाद करती हूँ विनोद अग्रवाल जी का और सुनैना प्रकाश जी का, जो मेरी बड़ी बहन है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उनके एक बुलावे पे हम खींचे चले आए। उनका इतना प्यार इतना सम्मान मुझे हमेशा मिलता रहा, एक बड़ी बहन की तरह मुझे एक माँ की तरह मुझे आशीर्वाद देती रही है, तो इनके बुलावे पे मैं मना नहीं कर पाई। तो जी मैं यही कहूंगी मेरी बहनों को, और मैं एक मैसेज मेरी तरफ से है स्पेशली कि बहनों छुई मुई बनना छोड़ दो, धाकड़ बनना स्टार्ट कर दो। जी बिल्कुल, महिलाओं को देखिए, मैं देख रही हूँ पूरा जोश उनके अंदर है, उनको थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है और थोड़ा सहयोग करने की जरूरत है।